उत्तराखंड में जल से जल जला आ रहा है और इसी का नतीजा है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटे पहाड़ के लिए आफत बन सकते हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट किया गया है। कई इलाकों में हो सकता है भूस्खलन, लैंडस्लाइड और इसको लेकर सचेत रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटे पहाड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। से लेकर 23 जुलाई तक जो है, अगर बात करें तो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इनमें 21 तारीख से लेके 23 तारीख तक आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम बारिश जो है अनेक जगहों तक में मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है वो भी कहीं कहीं पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी। सौरभ भाटिया जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, जिस तरीके से पहाड़ पर बादल बरस रहे हैं, खतरा लग रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है। आपसे जानना चाहेंगे वो कौन कौन से जिले हैं, इलाके हैं जहां पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ये बता रहा है, ये कह रहा है कि सतर्क रहिए। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है जिसमें उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में जो है भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि जो है जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जो है बारिश की संभावना जरूर जताई है। इसके साथ ही ये जरूर कहा जा रहा है कि जो नदियां होंगी वो उफान पे होंगी, तो जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको जो अलर्ट पे रखा गया है। और इसके साथ ही जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको भी अलर्ट किया गया है, उनको भी जो है एक पत्र लिखकर मौसम विज्ञान के निदेशक द्वारा जो है ये इत्तला किया गया कि जो आने वाले जो 72 घंटे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और इस तरफ जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए। जो रिवर साइड जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाने की भी जरूरत है, क्योंकि नदियां लगातार उफान पर दिखाई दे रही है। क्योंकि पिथौरागढ़ की अगर बात की जाए तो पहले ही मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया था, अगर समय रहते ही जो है चीजें दुरुस्त हो जाती तो शायद इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ता। अब जो है मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जैसे जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही जो नदियों वाले इलाके हैं वहां पर उफान पर आने की भी जो संभावना व्यक्त की है, तो इसके साथ ही जो प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन है उस पूरे जो है मामले को लेकर जो है गंभीर है और जगह जगह जो है SDRF भी तैनात कर दी गई है। जी चलो, नजर बनाए रखिएगा, फिर आएंगे आपके पास सौरभ हम जानकारी के लिए।